देखो कौन आया। माय नेम इज खुशबू। बताना ये गली में केस सिस्टम है, मतलब यहाँ लग रहा है मेरे क्या होगा? कोई ना कैसे मेरे मंदिर जाएगा या कोई फ्रेश होएगा रे। एक बात बताओ अपने, अब कितनी मेहनत है यूट्यूबर की, देख तो लो, कैमरे सेट करो, फलाना करो, ढिमकना करो। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है संडे, टाइम हो चुका है सुबह के 6:30, और आज हमारा जल्दी उठने का रीज़न ये है कि आज हम जाएँ संडे राइड पर, और वहीं जाएंगे, रॉयल एनफील्ड का ग्रुप जाएगा पूरा आज भी। तो अभी हमें जाना है बाइक धुलवाने के लिए, तो अभी एक बार थोड़ा सा रेडी हो लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपको आगे सीधा। ये देख लो भाई बाइक की क्या हालत हो रही है, हमने बाइक लगा दी कोल्ड स्टार्ट पे और बस अभी चलते हैं। ये देखो कितनी मिट्टी है, बना देंगे परांठे हैं, खा लो। इसने लगा मजाक करें, कहीं जगह खाओ कभी के गोरी खाओ, खाना है तो खा, खाना है तो बना देंगे परांठे, परांठा नाइव तो वहीं जाके खावाएं उनके साथ ही। इसने सवेरे कही थी मैं 7 बजे, अच्छा मजाक करे है तो भी बिल्कुल जब ना, अब तो चाय कोई ना, चाय चोय पी ली, तो आगे जाकर कंपनी खाएंगे जो खाएंगे। ये गली में केस सिस्टम है, मतलब यहाँ लग रहा है मेरे क्या होगा? कोई ना कैसे मेरे मंदिर जाएगा या कोई फ्रेश होएगा, एक छत खड़े हो जाते ले आगे। नाम नाम नहीं लेंगे भाई, हम बताएंगे नहीं, पता है सभी सभी मोहल्ले में ही हाल रहता होगा शायद, जहाँ तक है मोहल्ले में रहता ही है ना। हाँ मोहल्ले में दो तीन चार घर ही है। ये देखती है, अरे मैं देखा अभी कोई तो फ्रेश होए गए, कोई मंदिर जाए गए ना गए, वो सीधे पूरा 12 खड़े हो जाए, मुंह बिना मुंह धोए। आपको देख रहे होंगे जो आते थे वो तो मन तो सारे दिखे हैं, मैं तो स्मार्ट ही बोल रही हूँ। तभी तो देख रही है, तने कौन देखा बुंडी, चलो भाई अभी हम फटाफट तैयार होते हैं, तैयार होते हैं फटाफट, तो फिर जाना है हमें बाइक। हमने 2 बार गए वॉशिंग सेंटर, सर्विस सेंटर, वॉशिंग वाले तो खुली नहीं, तैयार होके मिलते हैं। सो गाइस ये देखो हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके मोहल्ले में भी यही सीन रहता है क्या। और बस अभी अभी 9 बजे हैं, 1 घंटा बाकी है, फटाफट कपड़े वपड़े पहनते हैं और फिर उसके बाद हम निकलते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम। तो ये लो भाई बाइक रेडी है, चलने के लिए तैयार हैं, चेन ल्यूब हो गई है, वॉशिंग करवाई नहीं, खुद ही साफ़ कर ली थी। 2 बार गया मैं सुबह सुबह, दोनों बार सर्विस स्टेशन खुला ही नहीं था, तो फिर खुद ही लग गए भाई काम पे। राइड ऑन, शांतिनगर से निकलते हैं, सुबह सुबह वही यार 9:45 ही हो गई, लास्ट वाला टाइम हो गया, पहले भी यही था, मेरे को लग रहा है कि लेट ही निकलेंगे, 10:30 हो ही जाएंगे इनको, लेकिन अपना काम है जो पहले वो कर लेते हैं, जाके पहले फ्यूल डलवाना है, फ्यूल नहीं है बाइक में। अरे यार मेरे को ये सबसे बकवास काम लगते हैं, एक तो ये फ्यूल डलवाना, एक बाइक वॉश करवाना, मतलब इतना टाइम ख़राब होता है ना, इतनी दिक्कत होती है इसके अंदर। भाई मैं कभी देख लूँ, ये जलेबी चौक पे था ना, इस सड़क का निर्माण ही चलता रहता है, परली तरफ की सड़क तैयार हो, इस तरफ की तोड़ दी, उसको बनाने में इन्होंने 6 महीने से साल ले लिया था, इसको पता नहीं अब 2-3 साल लेंगे। अरे यार सुबह सुबह इतना भीड़ कहाँ से है, और चलो ऊपर से संडे है वो भी, समझ नहीं आ रहा चीज़ कुछ। छोड़ो यार छोड़ो, जाने दो भाई जाने दो। लो फ्यूल इंडिकेटर की बत्ती जल रही है, बाइक की सर्विस भी आने वाली है यार, 10,000 हो जाएगी अब। ये मेरी राइडिंग जैकेट इतनी भारी हो गई थी रेन लाइनर और ये विंटर लाइनर की वजह से, लेकिन अब जाके इसका वेट काफ़ी हल्का सा लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा भी अंदर जा रही है, दोनों उतार दिया यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेफ्टी सेफ्टी है, तो हमने राइडिंग जैकेट डाल ली, ग्लव्स डाल लिए, ये तो ज़रूरी चीज़ है यार, ये तो साथ में रख ही सकते हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड, ये आप देख सकते हो पीछे, लास्ट टाइम इधर लेट कर दोगे 10:30 ला दोगे हैं। ये अपने भाई है, भाई सारे जो अपने लास्ट टाइम साथ रहे थे राइड पे, इस बार भी भाई हमें साथ रहेंगे, तो अभी भाई बता रहे हैं कि एक बंदा हमें अगर वैसे ज्वाइन करेगा, चलो अच्छी बात है यार, राइडर्स जुड़ रहे हैं, सारे के अंदर भी थोड़ा क्रेज हो रहा है इस चीज़ का, वरना ऐसा हम बाहर ही देख रहे थे, दिल्ली देखते थे, गुड़गांव देखते थे, केरला साइड देखते थे, महीने में 2 बार, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, थोड़ा और सुरक्षा प्रोग्राम हो रहा है, अच्छी राइड बनाओ, बड़ी बड़ी राइड है ताकि और मजा आए अच्छा खासा। एक बात बताओ अपने, अब कितनी मेहनत है यूट्यूबर की, देख तो लो, कैमरे सेट करो, फलाना करो, ढिमकना करो, और लोग यार भाई बता वीडियो देख लाइक को नहीं करें यार, और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करें, मैं तो सारे करें, आपके किले करो।
चलो मैम आप भी, ये हमारे देख लो बाइटिंग कूपनिया वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई। मेहनत जारी है, लगे हुए हैं, ये बाइक सारी रेडी है, बस चलते हैं यार, लेट हो गए भाई बहुत। चिल्ली मार दो भाई। लो भाई फ्यूल नहीं है भाइयों की बाइक में, पहले फ्यूल डलवाएंगे उसके बाद चलेंगे। अरे अरे भाई लगवा दिए धक्के यार, अरे देखे देखे भाई कहते बिड़ जाओ भाई की बैटरी लो होगी बाइक की, तो धक्के मार के स्टार्ट करनी पड़ रही है, अब दिक्कत होएगी बाइक को बहुत। जोर लगा के हई शा हो गया, होगी भाई होगी, कम ऑन स्पार्टन्स। सो भाई फाइनली काफी मशक्कत के बाद निकली गए हम, 10:41 हो गए, 15 मिनट खराब कर दिए भाइयों ने। यार जब पता है कि राइड पे जाना है तो बंदों को पहले ही पेट्रोल वेट्रोल फुल करवा के और हवा हवा चेक करवा लेनी चाहिए, सब कुछ सारे काम हो जाने चाहिए। आज भाई थोड़ा रूट भी अच्छे वाला है, लास्ट टाइम वाला भी रूट अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस रोड पर थोड़ी भीड़ रहती है, थोड़ी चहल पहल अच्छी है यहाँ पर, और थोड़ा उस साइड क्या है कि राजस्थान की तरफ एरिया लग जाता है, थोड़ा सन्नाटा सा रहता है रोडों के ऊपर। अरे जल्दी कर लो काम, इतनी देर को लगा करे, कोई ले जाएगा सक गई। आ गया भाई यहाँ अग्रोहा मंदिर, अग्रोहा धाम, अग्रोहा मंदिर, जहाँ पर कि हनुमान जी की अच्छी बड़ी मूर्ति हमें देखने को मिलेगी, लेकिन हमें जाना है उससे आगे वाले कट पर शीतला माता मंदिर, तो कोई नई जगह है वहाँ देखिए, मैं तो आई फर्स्ट टाइम हूँ वैसे यहाँ, तो अपने ये देख सकते हो भाई यहाँ एक छोटा सा रोड कटता है आगे बिल्कुल एंड में आकर के, जहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है शीतला माता मंदिर का, और ये हमें यहाँ गांव के अंदर लेके जा रहे हैं भाई। प्यारी जगह है भाई, बहुत ही प्यारी जगह है ये, आसपास आप देख सकते हो हरियाली कितनी बढ़िया है। अरे भाई अच्छा वहाँ वो रहा मंदिर भाई, शीतला माता मंदिर, मंदिर जाने का रास्ता ये सामने देख सकते हो, सामने रहा भाई। सो गाइज ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये है अपने शीतला माता मंदिर, और ये अपने पूरी टीम, मतलब इस बार काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हैं पिछली बार से, जो पिछली बार थे इतने नहीं थे हम राइड पर, लेकिन इस बार अच्छा खासे लोग आए हुए हैं, मतलब मज़ा भी काफ़ी अच्छा आया। ये देखो भाई कितनी प्यारी जगह है भाई, कितनी प्यारी जगह, अल्टीमेट ये अपने मंदिर है माता जी का। सो गाइज हम फ्री हो चुके हैं शीतला माता मंदिर से, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, तो मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा। ग्रुप राइड का यही मज़ा आता है, यही मतलब फ़ायदा है कि भाई सभी बंदे जो हैं अपनी नई नई जगह बताएंगे, तो हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा सा लगा। कल हमारे सुमित भाई का बर्थडे था, तो सुमित भाई को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कल तो भाई कुछ ध्यान नहीं रहा मेरे, पिछली बार तो हमारी कुछ और ही हालत थी इनके बर्थडे में, सीन ही कुछ और हुआ पड़ा था, तो बस भाई अभी हम थोड़ा करेंगे ब्रंच ही हो जाएगा भाई, ब्रेकफास्ट किया नहीं और लंच का टाइम है, तो भाई ब्रंच हो गया, ब्रंच करेंगे फिर चलेंगे घर। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, अभी जाके थोड़ा लंच करेंगे बस, उसके बाद फिर वापस घर की तरफ। तो ये था होटल मिडवे, यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगा, मतलब लास्ट टाइम ने जो ब्रेकफास्ट किया था या लंच किया था भाई, लंच ही किया था यार, 1 बजने वाले हैं, लास्ट टाइम भी लंच ही था, तो जो किया था भाई उससे तो बहुत बढ़िया खाना था, बहुत अच्छा खाना था, और जो बिल है सभी राइडर्स का बना, यहाँ यहाँ बिल आया 2250 रुपये का। तो भाई जी हम आ गए हिसार। सो गाइज अभी हम घर आ चुके हैं, सिमरन की मम्मी आए हुए हैं, पापा आए हुए हैं, मतलब मेरी मम्मी पापा जी आए हुए हैं, और उनकी दीदी भी आई हुई हैं खुशबू, तो उन सबको मिलवाते हैं अभी।
गाल यहाँ की हो रही है, बदबड़ाओ वो लोग बना रहे हैं। ये देखो कौन आया, माय नेम इज खुशबू। क्या कर रही थी बताना? मैं बता दूंगी लेकिन है ना, ये हटा दो कैमरा। माय नेम इज खुशबू, मैं सिमरन की बड़ी दीदी। खुशबू 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 नहीं, क्या बोला इन्होंने, क्या बोला था ना, मेरे को सुनाई हुई खुशबू नहीं बोला खुशबू। ये लो भाई, ये अपने केसव जी आ चुके हैं यहाँ पे, शर्म उज़्बेकिस्तान आ गया है, मत बनाओ। और ये अपने खुशलू सिमरन की बहन खुशलू आ चुकी है, अभी इनके जाने की तैयारी है भाई। चलो क्या करोगे जाके, घर तो जाना ही नहीं है रोज। वो डाल दें खुशलू वाली, हम केसव जी के कैसे मन लग रहे हैं। काट नहीं क्यों भाई ना, मेरा तो आज का दिन बढ़िया रहा, पहले राइड कर आया मैं, फिर सारे आ गए घर पे।